है ये पापी इंसान, ये दगाबाज, ये धोखेबाज, ये डकैत, ये चोर प्रधानमंत्री, जब तक इस हिंदुस्तान में पवित्र धरती, जिसको हम कहते हैं कृष्ण की धरती, जिसको हम कहते हैं गरीब नवाज की धरती, जिसको हम कहते हैं राम की धरती, जब तक ये राम को बदनाम करेगा, हमारा तो कुछ नहीं, आपका और मेरा कुछ नहीं होने वाला। आज देखिए, आज डॉलर का रेट 80-95 चला गया, ऑल टाइम रुपी हिट किया, बट इसमें आप न्यूज नहीं बोल रहे हैं। तो किस साले के बच्चे ने आपको यह हक दिया कि पब्लिक का पैसा वेस्ट करें आप 500 करोड़ रुपया खरीद के एमएलए खरीदने के लिए? आप 50 करोड़ में जो आप खरीद फरोश कर रहे हैं, एक एक एमएलए को जो 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ देके खरीद रहे हैं, ये फंड कहां से आ रहा है? कैसे ये जो दलाल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, इन लोग कभी तफ्तीश में नहीं जाते हैं कि गलती किसकी है। कोई आदमी बीजेपी कर रहा है वो उसके साथ है, अगर आप बीजेपी नहीं करते आप फौरन आतंकवाद के साथ हो जाएंगे। मीडिया को दलाल बनाने वाला कौन है? इस मीडिया को नपुंसक बनाने वाला कौन है? ये मीडिया को रास्ते में एक दल्ला बनाने वाला कौन है? आपने मोदी की दलाली की, मोदी ने मोदी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का, सुनिए सुनिए, देखिए, जो डकैत है, जिसके गोधरा कांड में नाम है, जिसका तहलका में नाम है, जो जस्टिस लोहिया को आज तक जस्टिस नहीं दे सका, उसको हम बिल्कुल बोल सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। मीडिया जिस तरह से लोगों के बीच में जो है एक ब्रिज का काम करता है, मगर ये मीडिया अब नफरत फैला रहा है। ये जो है मीडिया हिंदू मुसलमान के बीच में विवाद पैदा कर रहा, और ये मीडिया जो है हिंदुस्तान का आपसी भाईचारा है, जो हज़ारों साल से हिंदू मुसलमान राम श्याम राम रहीम एक साथ रहते थे, अब शायद मीडिया को ये पसंद नहीं आ रहा, और इसीलिए जो है सोशल मीडिया समेत मेन स्ट्रीम मीडिया नफरत परोस रहा है, और हर दिन जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान का डिबेट चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया, और ये जो महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से किया गया, उसमें जो है जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने यह माना है कि मीडिया चैनल पर जो एंकर बैठते हैं उनका जो रोल होना चाहिए वो वैसा रोल नहीं है, उनको नफरत को रोकना चाहिए। मगर इत्तेफाक की बात है कि नफरत बढ़ता जा रहा है, और के भारत सरकार में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी माना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो खुद जो है मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल है। तो एक तरफ तो बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर की नफरत बढ़ रहा है, मगर दूसरी तरफ क्या कानून बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शायद जोसेफ साहब ने या ऋषिकेश रॉय ने माना है कि कानून बनना चाहिए और केंद्र को कानून बनाना चाहिए। हमारे भी सोशल मीडिया के बड़े मतलब फेमस चेहरे हैं और लगातार जो है सोशल मीडिया समेत बड़े बड़े न्यूज चैनल पर बात रखते हैं, तौसीफ रहमान साहब। तो तौसीफ जी, सबसे पहले कि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मगर सोशल मीडिया एक जमाने में सरकार के सवालों को घेर रहा था, अब सोशल मीडिया सिर्फ नफरत परोस रहा है। चूंकि हो सकता है कि शायद हमारे भी कुछ ऐसे वीडियोस हो, मगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नफरत परोसा जा रहा है, इस पर क्या लगता है, कानून बनाएगी सरकार? देखिए, कानून जो आज आप कह रहे हैं अनुराग ठाकुर वो एक ऐसा शख्स है जिसने नफरत की जो बुनियाद थी, नफरत का जो बीज था, उसने ये जो शोकेस किया था दिल्ली में दिल्ली दंगों से पहले कि एक तो टुकड़ा गैंग देने वाले भी वही थे, ये नाम वाम टुकड़ा वो टुकड़े टुकड़े वाले गैंग है, और कपिल मिश्रा के साथ दिल्ली में जो ये राइट जो सजाया गया था, जिसका आयोजन, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड राइट, जहाँ पे हिंदू मुसलमान को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारे मुल्क में हिंदू और मुसलमान एकता हमेशा से था, है और रहेगा, मगर एक तबका जो ऐसा बन चुका है, वो तबका ऐसा हो गया है जो पॉलिटिकल राइट हो चुका है, और पॉलिटिकल राइट ऑर्गेनाइज किया जाता है। पॉलिटिकल राइट में कोई इमोशन नहीं है, पॉलिटिकल राइट में कोई भावना नहीं है कि किसी मुसलमान ने भगवान के बारे कोई बुरा बोल दिया, या कोई मुसलमान कुछ और टिप्पणी दे दे, या कोई हिंदू किसी को और टिप्पणी दे दे मुसलमान के बारे, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। मगर अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप जैसे अगर कहीं बता दें कि चौरंगी में किसी मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, और चौरंगी में अगर आप ये कह दें कि हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, तो होता क्या है कि आप पता नहीं लगाते हैं, मैं अनुराग ठाकुर के बात में भी आऊँगा, आप पता नहीं लगाते हैं। और उसी तरीके से ये जो दलाल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, इन लोग कभी तफ्तीश में नहीं जाते हैं कि गलती किसकी है। गलती दोनों की नहीं है, ना हिंदू तबके की है, ना मुसलमान तबके की, ना कोई तबके की भी गलती नहीं। गलती ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एक मतलब एक षड्यंत्र जो रचा जाता है, गलती वहाँ आती है, और इसी चीज़ को मीडिया बेखौफ बिना कुछ सोचे समझे इसको इग्नोर कर देता है कि इसका जड़ में क्या था। आज दिल्ली राइट में जिसको पकड़ा गया, ताहिर को पकड़ा गया था, तो ताहिर की गलती क्या थी, आप ये बताइए।
उसके घर पर कुछ ऐसे सामान पकड़े थे जो जिसको आप मुझे आप ये बताइए, जब ताहिर के घर में कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन पकड़ा गया तो क्या उसकी जांच पड़ताल हुई थी? नहीं। आज मेरे दोस्त रमेश जो सरवन थे, जो यूपी के थे, रमेश सरवन के घर में जब रेड पाड़ा गया था, क्योंकि रमेश सरवन कांग्रेस के थे। देखिए बात समझिए, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात आप ही लोग करते हैं, सबसे ज्यादा को हिंदू मुसलमान की बात करते आप करते, हम और वो जो मेरे साथ यहाँ लोग खड़े वो लोग नहीं करते। तो रमेश के घर में जब रेड पड़ा था तो उसके घर से भी यही कहा गया था कि इसके घर में आर्म्स है, इसके घर में अम्यूनिशन है, इसके घर में बॉम्ब था, ये आतंकवाद से जुड़ा है। तो अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी किसी नॉन मुस्लिम को लेकर बहुत सॉफ्ट, ऐसा नहीं है। जब तक कोई आदमी बीजेपी कर रहा है वो उसके साथ है, अगर आप बीजेपी नहीं करते आप फौरन आतंकवाद के साथ हो जाएंगे। आज मैं दिन भर में 6 मीडिया के साथ बैठता हूँ, चाहे वो रिपब्लिक हो, टाइम्स ना हो, न्यूज़ नेशन हो या सहारा वाले हो, जो भी हो, इनका जो न्यूज़ जो होता है, जो एजेंडा जो होता है 9 बजे वाला प्राइम टाइम, मैं आपको कह रहा हूँ 10-10 मिनट पहले चेंज होता है। एक अच्छा टॉपिक कभी नहीं आता, ये सिर्फ बंटवारे में आते हैं। और ये आज जो मीडिया की जो हालत है, किसने किया ये मीडिया की हालत, आप मुझे बताइए, आप लोगों ने किया ये? आप नहीं, नहीं सुनिए, इसमें आप भी नहीं बचेंगे, ये आप लोगों ने किया, क्योंकि आप लोग को ज्यादा इंटरेस्ट है कि कहां क्या है, कौन सा हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप लोगों ने किया, ये सारे मीडिया वालों ने किया। मुझे तो अभी तक एक ऐसा कोई भी मीडिया नहीं दिख रहा है 2014 के बाद से जो न्यूट्रल बात करे। आप भी कल ममता के बारे बात कर रहे थे, कल आप मोदी के बारे बात करिएगा, कल आप CPM के बारे बात करिए, कांग्रेस के बाद बात करिएगा, मगर एक पॉजिटिव न्यूज जो होती है वो पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रहा है। इन मीडिया को दलाल बनाने वाला कौन है? इस मीडिया को नपुंसक बनाने वाला कौन है? ये मीडिया को रास्ते में एक दल्ला बनाने वाला कौन है? आप लोग जिस लेवल में काम कर रहे हैं पैसे के लिए, ये लेवल में लाने वाला कौन है? ये राहुल गांधी लाया है, ये सोनिया गांधी लाई है, ये ममता बनर्जी लाई है, या ये कोई CPM का कोई नेता वो लाया, कांग्रेस का कोई नेता लाया, अधीर रंजन चौधरी लाया, यहाँ पे किसने लाया आप मुझे बताइए, किसने लाया? ये गवर्नमेंट, हाँ एग्जैक्टली, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस तरीके से मीडिया चलाएगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की मालकाना जो हक है वो अदानी संभालते हैं, जब सेंट्रल मीडिया, जब गोदी मीडिया बैठी है, उसके ओनर कौन है आप मुझे ये बताइए? News 18 के ओनर कौन है? एग्जैक्टली, अदानी ने खरीद लिया आधा। हर चैनल के शेयर मार्केट में आपको देखना चाहिए, अंबानी और अदानी, अंबानी अदानी, अंबानी अदानी। तो आप मुझे ये बताइए ये दोनों कौन है? 2014 से पहले अदानी 20 तक क्या 50 नंबर में नहीं था वर्ल्ड रैंकिंग में? ही वॉज टू फार फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, आज वो सेकेंड में आ चुका है। कैसे, कौन सा धंधा आपने किया, आपने ऐसा कौन सा धंधा कर दिया कि आप दुनिया के सेकेंड नंबर में आप आ चुके हैं? आप जाहिर बात है आपने मोदी की दलाली की, मोदी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का, सुनिए देखिए, जो डकैत है, जिसके गोधरा कांड में नाम है, जिसका तहलका में नाम है, जो जस्टिस लोहिया को आज तक जस्टिस नहीं दे सका, उसको हम बिल्कुल बोल सकते हैं। और हमने, अगर आपने एक मुसलमान को चोर बना दिया, अगर आपने एक मुसलमान को आतंकवादी बना दिया, आपने एक शरीफ हिंदू इंसान को चोर बना दिया, तो क्या आप चोर नहीं हो सकते? आप कौन है, आप कौन से दूध के धुले हैं? ईडी, बहुत अफसोस और बड़े ही रिस्पेक्टेबल वे से मैं कहना चाह रहा हूं, ईडी का जो पूरा रोल है, इट इज वेरी बैड। ईडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर ईडी का काम अगर इतना ही अच्छा होता तो आज वो बंगाल में पिकनिक नहीं मना रहे होते। आज ऐसा क्यों है रजा अंसारी आप है कि हर बीजेपी जहां जहां रूल नहीं करता वहीं रेड पड़ता है? तो सरकार के खिलाफ क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में रेड क्यों नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है? महाराष्ट्र में रेट क्यों नहीं पड़ रहा है आप मुझे ये बताइए? मध्य प्रदेश में रेट नहीं है, महाराष्ट्र में रेट नहीं है, जहां जहां बीजेपी का शासन चल रहा है वहां ईडी का रेट क्यों नहीं पड़ रहा? आप वहां क्या कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं, ये जो 500 करोड़ में MLA को जो खरीदा जा रहा है ये कहां से पैसा आ रहा है? या तो आप बोल दीजिए या तो पब्लिक का पैसा, मैं आपके मीडिया से पूछना चाहता हूं, ये जो 50 करोड़ में जो आप खरीद फरोश कर रहे हैं, एक एक MLA को जो 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ देके खरीद रहे हैं, ये फंड कहाँ से आ रहा है? तो या तो आप मुझे आज ये बताइए खुलेआम कि ये पब्लिक का पैसा है, तो किस साले के बच्चे ने आपको ये हक दिया कि पब्लिक का पैसा वेस्ट करें आप 500 करोड़ रुपया खरीद के MLA खरीदने के लिए? आपने 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 फिर इलेक्शन क्यों करवाया? पार्थो चटर्जी भी तो पकड़ा इसमें। नहीं सुनिए, अगर पार्थो चटर्जी
अगर पार्थो चटर्जी कहीं पकड़ा रहे हैं तो टीएमसी के हर एक फर्द ने कहा कि अगर ये कोई बात सच है तो आप सस्पेंड करिए। आज ममता बनर्जी एक ऐसी वाहिद एक औरत है, एक वाहिद सीएम है जिसने अपने पार्टी के सीनियर मेंबर को फौरन सस्पेंड किया। मुझे बताइए सस्पेंड है कि नहीं? वो आज सस्पेंड है। उनको उनको छुड़ाने के लिए क्या तफ्तीश हो रही है? कुछ हो रही? कुछ नहीं हो रही है। इफ ही इज गिल्टी ही इज गिल्टी। और मैं खुद बोलता हूं आपको, अगर कोई इंसान 500 करोड़ के साथ अगर अपने घर में पकड़ा रहा है उसको अरेस्ट करिए आप। मगर आप जितने भी नेता हैं आज बंगाल में सबके ऊपर आप चढ़ के अगर बात करिएगा कि ये भी चोर है ये भी चोर है, तो दिलीप घोष कौन है? तो सुवेंदु अधिकारी कौन है? आज हल्दिया पोर्ट का सबसे बड़ा चोर कौन था? सुवेंदु अधिकारी। 35 चेयरमैनशिप कौन लेकर बैठा है? सुवेंदु अधिकारी। सारे इलेक्शन का दौर भाग किसके हाथ में था? सुवेंदु अधिकारी। वो चोर नहीं है। आज वो इतना पैसा कहां से ला रहा है? वाशिंग मशीन लाया है। कहां से लाया है? कैसे आया है आप मुझे ये बताइए। अच्छा ठीक है, मतलब एक सवाल, मीडिया नहीं नहीं सुनिए मेरी बात, अगर मीडिया अगर आज ठीक होने वाली, मीडिया ठीक नहीं हो सकती, बिकॉज मीडिया को आपने अपाहिज बना दिया पैसे देकर। आज 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 आप सुनिए, आज अगर अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल चला रहे हैं, आप कोई भी उनका डिबेट देख लीजिए जो प्राइम टाइम में आता है, अगर वो बीजेपी के खिलाफ है वो नहीं सुनना चाहते, वो वॉल्यूम बंद कर देंगे। या आपने खुद देखा होगा मेरे साथ कई वीडियो में वॉल्यूम बंद हो जाता है। तो ये आप कैसे बंद कर सकते हैं? आप बंद नहीं कर सकते। ये चल रहा है, चलते हुए आया है, आप इसको बंद नहीं कर सकते। आप मीडिया आपने मीडिया को बशर्ते 10 हाल में खरीद लिया और आप आज कह रहे हैं कि भाई हमें बचा लो। आज हम मीडिया कैसे क्या करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसे होगा? सरकार कानून बनाएगी। कुछ नहीं हो सकता है। ये पापी इंसान, ये दगाबाज, ये धोखेबाज, ये डकैत, ये चोर प्रधानमंत्री, जब तक इस हिंदुस्तान में पवित्र धरती जिसको हम कहते हैं कृष्ण की धरती, जिसको हम कहते हैं गरीब नवाज की धरती, जिसको हम कहते हैं राम की धरती, जब तक ये राम को बदनाम करेगा हमारा तो कुछ नहीं, आपका और मेरा कुछ नहीं होने वाला। आज देखिए, आज डॉलर का रेट 80-95 चला गया, ऑल टाइम रुपी हिट किया, बट इसमें आप न्यूज नहीं बोल रहे हैं, आप इसमें बात नहीं कर रहे हैं। आटा चावल का दाम कहां चलेगा, आप इसमें न्यूज नहीं करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, हमारा इकोनॉमी बढ़ गया। इकोनॉमी कैसे बढ़ गया आपका? आप एक हम मुझे दिखाइए, मैं सीतारामन से पूछना चाहता हूं, एक औरत जाते हैं, मैं उनसे ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगा, मुझे उनको बताइए अपना तत्व दे, वो अपना टैली बताए मुझे कि इन 5 साल में आपने जीडीपी को किस टैली में किया। आज बांग्लादेश, बैंकॉक सब हमसे आगे चला जा चुका है। अब आपके पास यही एक बोलने को रह जाएगा, बांग्लादेश का पॉपुलेशन बहुत छोटा है इसलिए। अरे छोटा है तो कम से कम उसको तो हमारे पैर के नीचे रखना चाहिए था। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, एक ऐसा देश है जहां पर हर आधे घंटे में 400 बच्चे मर रहे हैं, और यही ऐसा देश है जहां पर दुनिया का सबसे दूसरा नंबर अमीर आदमी पैदा हो गया। आप विडंबना देख रहे हैं इसका, इसकी विडंबना देखिए। एक जहां पर खाने को पैसा नहीं है वहीं पर एक ऐसा इंसान है जो दुनिया का सेकेंड पोजिशन में आ चुका है, जिसने जेफ बेजोस को पार कर दिया है। 200 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया गया। वेयर आर यू, आप किस एवज में बात कर रहे हैं? द इंडियन खबर, सच आपके सामने।